और सुबह सुबह हमारे पास कश्मीरी ऑफ कोर्स देसी नाश्ता। तो जंगली है यार, पूरा मिट्टी का बना हुआ है। जी हाँ, मिट्टी का बना हुआ है माशाल्लाह। ये भी तकरीबन होगी कोई 50-60 साल। जो चाय का टेस्ट है ना, वो ये एक्शन जो है उससे बनता है। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, look at the beautiful greenery. सुबह सुबह जैसे ही आप उठे और ठंडे पानी से गुसल करने के बाद when you see this greenery and fresh air, आप कैफियत को समझ सकते हैं। So amazing, so amazing. So first day in Kashmir, village life of Kashmir. यहाँ पे भी greenery, यहाँ पे भी greenery, यहाँ पे भी greenery और यहाँ पे भी greenery. चारों तरफ greenery है। Now you can see मुझे क्यों greenery इतनी ज्यादा पसंद है। और सुबह सुबह हमारे पास कश्मीर of course देसी नाश्ता। ये क्या? ये पराठा है, देसी पराठा विद घी। तीन कोना पराठा इसे कहते हैं स्पेशल। देसी घी के साथ देसी पराठा प्लस अंडा। देसी अंडा, देसी अंडा, फ्रेश अंडा। बिस्मिल्लाह। दिस इज योर टेस्टी डिफरेंट। हाँ जी, जाहिर है। ऑफकोर्स हमारे पास चाय होगी, यहाँ पे कॉफी नहीं है, लेकिन ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कॉफी को दूर करती है। आई मीन कॉफी की कमी महसूस नहीं होती। अब ये वाली जो लाइफ है ना, आपको कभी भी शहर में नहीं मिलेगी। और आई रियली यूज्ड टू मिस इट अ लॉट। आए बकरी, इसको देख के तो मुझे मंदी याद आती है। अलबत्ता ये चाचू ने रखी हुई है हमारे, और वहां पे मुर्गियां शुर्गियां देसी। क्या दिस, सुभान अल्लाह। चिकन हैन, डू यू नो दिस इज लाइक अ नेचुरल म्यूजिक, बिल्कुल जिस बर्ड्स की आवाज और मुर्गियों की आवाज। सुभानअल्लाह, यह बड़े अरसे बाद देख रहा हूँ देसी मुर्गा। वाह, अमेजिंग। अभी आजाद हुए हैं जाके। अभी ये ओए, ये तो जंगली है यार, इसको क्या तकलीफ है पता नहीं। ये कोई गुस्से वाला मुर्गा है, मार रहा है सारों को। चाचू ये मुर्गा मुर्गी को मार रहा है। फर्स्ट टाइम मैं मुर्गे को देख रहा हूँ मुर्गी के पीछे भागते हुए, मारते हुए। ये देखो ओए, ये मुर्गी बच के भाग गई है, खाना खा रही है। अमेजिंग। अच्छा, ऐसी नेचुरल चीजें देख के ना आदमी को माइंड से सारे स्ट्रेस टेंशन सब कुछ दूर हो जाता है। इट्स अमेजिंग। मेरे बाल की कंडीशन काफी अच्छी हो गई है यहाँ। लेकिन लुक एट दिस ग्रास। स्लीपर उतार के ना इस ग्रास पे जब अपने पांव रखते हैं, एक अलग सी वाइब आती है, एक अलग सी फील आती है। सीरियसली शहरों में इन चीजों को बहुत मिस किया जाता है, बहुत ज्यादा मिस किया जाता है। इस वक्त तकरीबन आई थिंक इट्स 30 डिग्री सेल्सियस। सूरज सख्त है लेकिन वो गर्मी महसूस नहीं हो रही है यहाँ। लुक एट दिस ट्री। ये देखें, माशाल्लाह। ये क्या चीज है जी? इसको कहते हैं जी लोटा, वो वाला लोटा नहीं जो हमारी सियासत में होता है, बट टू वॉश योर फेस एंड एवरीथिंग। ओए होए होए होए, मैं फर्स्ट टाइम जो है ना लोटा इस्तेमाल कर रहा हूँ पानी के साथ। जबरदस्त, इट्स अमेजिंग 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 फीलिंग। वो ऑटोमेटिक नल के और उनसे जो है ना थोड़ा सा साइड पे करके जब आप देसी स्टाइल में आते हैं ना, समथिंग टोटली डिफरेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे दादापू का घर, विच इज अराउंड 70 इयर्स ओल्ड, जो अबू ने प्रिजर्व करके अभी तक रखा हुआ। पुरानी पुरानी चीजें वहाँ, हमारे वाले साहब का बचपन जहाँ पे गुजरा है। अबू हमारे जा रहे हैं ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। ये वो घर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, वो वहाँ पे जाके एंड होता है। स्टेयर्स, दादी अम्मू का घर है। अच्छा, इसमें मेरी पैदाइश भी हुई है। अच्छा। और आपका भी जन्म इधर ही हुआ है। मैं यहाँ पे पैदा हुआ था। हाँ, यही घर है वो। ठीक है, अच्छा अच्छा। और ये अभी थोड़ा सा रेनोवेट हुआ है, लेकिन इसकी एज है मोर देन 85 इयर्स। 85 इयर्स। हाँ, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। अभी तक जो है ना प्रिजर्व करके रखा हुआ उसी तरह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है ही है, ये मिट्टी का, ये भी उसी वक्त का। ये बहुत पुराना है, इसको हमने तोड़ा नहीं है। कि देखो हिस्टोरिकल जो चीजें उनको मैंने बोला इनको कि इसको तोड़ना नहीं है। ये हमारे यहाँ से वालदेन गुजरे हैं, उनकी यहाँ पे ये किचन हुआ करता था, हमने उसको उसी तरह रखा हुआ है। आपको पता है आजकल ये चीज बड़ी मुश्किल है। पूरा मिट्टी का बना हुआ है। जी हाँ, मिट्टी का बना हुआ है। गर्मियों में बाहर इसमें आग जलाते हैं। अच्छा। और फिर सर्दियों में इसके अंदर आग जलाते हैं। यानी ये ओल्ड किचन है। माशाल्लाह, मिट्टी का अभी तक बनाया हुआ है। और जो है ना अब वो बता रहे हैं कि गर्मियों में, गर्मियों में उस घर में और सर्दियों में इधर, ऐसे ये बस। हाँ, बस किचन होता है ना। ये देखिए दरवाजे उसी डोर के, ये डोर लगे हुए हैं। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। और इसी तरह हमने ये रखा हुआ, इसका पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह का है। वाह, ये देखो, ये सारा उसका है। माशाल्लाह, इसके पूरे वो
ये लकड़ी के हैं, डले हुए हैं पूरे उसी जमाने के ना। और देखे ना, हमने ये देखा अलमारी बर्तन रखने वाली वही रखी हुई है, उसी तरह वही रखी हुई है। और ये ओपन एयर, यहाँ से बाहर जाना है अगर देखना है तो ये खोल के बाहर देते हैं। गर्मियों में यहाँ पे सर्दी होती थी इस बिल्डिंग के अंदर, और सर्दियों में यहाँ पे गर्मी होती थी इस बिल्डिंग के अंदर, ऐसा ही है ना। वाह, ये लगा हुआ है यहाँ से जब धुआं होता है ना, ये इसको अंगीठी बोलते हैं आप इस बाढ़ में। अच्छा, तो जब आग जलाते हैं तो धुआं इससे बाहर जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन सर्दियों में ये जन्नत है, जन्नत सर्दियों में, इधर बिल्कुल सर्दी नहीं होती है, लेकिन जो दूसरे मकान है ना उनमें बहुत सर्दी सर्दी होती है। अमेजिंग है यार, पुराने जमाने का जो स्टाइल है ना लिविंग इज वॉज नेचुरल। मुझे ये चीजें बड़ी पसंद आती हैं। ये दरवाजा इस तरह बंद होता है, ये थोड़ा और, ये पुराने जमाने के लॉक हुआ करते थे इस तरह करके, टीज टू क्लोज। माशाल्लाह, पुराने इलेक्ट्रिक स्विचेस, और ये पुराने जमाने के इलेक्ट्रिक स्विचेस है। 40 तकरीबन 35 से 40 साल पुराना। अच्छा, इसको इसी तरह रखा हुआ है, कभी इसको तोड़ने का इरादा नहीं है पापा का। जी इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी जी मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई है, मुर्गियाँ तो लाजमी है ना। जब दिल करे मुर्गी खा लें, मुर्गी के चूजे जबरदस्त। इस तरह जी, इस तरह खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, जबरदस्त। सब आ गए खाने के लिए, कार्ब्स तक, ये कार्ब्स खाएंगे और हमें इनसे प्रोटीन मिलेगी। मेरे बस में तो इनका बारबेक्यू बना लूं, लेकिन तुर्किश कबाब, ये चारपाई है रे? ये बेटा आपकी दादी अम्मा की चारपाई है, इधर ही रखी हुई है। माशाल्लाह, ये भी तकरीबन होगी कोई 50-60 साल, तकरीबन इतना तो हो गई, काफी पुरानी। अच्छा जी, I think इसमें ज्यादा सुकून है जो हमारे सोफे होते हैं, लग्जरी वाले। नहीं माशाल्लाह, अच्छा अच्छा, अमेजिंग। ये आपको कोई अगर कोई $1-2 million दे तो आप ये बेचेंगे ये घर? सवाल ही नहीं पा रहा था बेटा, ऐसा क्या है, ये तो हमारे वालदैन की निशानी है, निशानी है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब उन्हें एक और घर बनाया हुआ है जो थोड़ा ऊपर है, और इसके बाद हम उधर जाएंगे, वहां से जो व्यू है प्लंदरी का, कश्मीर का, दैट्स टोटली टोटली डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। इस वक्त हम जो जंगल के बीच में से गुजर, ऊपर ट्रीज, नीचे ट्रीज, और खतरनाक रास्ते, लेकिन इसको आई थिंक हाइकिंग भी कहते हैं, लेकिन कप्तान चप्पल के साथ हाइकिंग नहीं करना कभी, ये मेरा मशवरा है सबको। ये जो स्टेयर्स है ना, ये भी बहुत पुरानी है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ऑन देम एज़ वेल, लेकिन अ लॉट ऑफ ग्रास। चल चल के जो है ना हम फाइनली पहुंच गए, लेकिन ठीक ठाक स्लोप थी। अब अबू जी की गाड़ी यहाँ से नीचे जाएगी, और इसको रात को इधर रोकने के लिए हमने टायर के नीचे जो है ना ये पत्थर दिया हुआ था। ये नेचुरल ब्रेक है, चाची नेचुरल ब्रेक है ना, अभी पत्थर को हटाएंगे। नेचुरल ब्रेक है, बढ़ गई। आगे बैठे, आगे बैठे अंकल, आगे बैठे, आगे बैठे, आगे बैठे। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर अपने मकान पे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ तो अगर कोई रहे तो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे इम्तियाज अंकल हैं, एंटरप्रेन्योर इन कश्मीर। तो ऐसे कैमरा शाये हैं अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना इनको भी व्लॉगर बनाएंगे। और टाइम आगे नहीं है ना, बारिश तो हो गया। Extremely beautiful. ये सब कुछ छोड़ के मैं जो है ना जद्दा में बैठा हूँ। Oh, look at this. अबू जी कहीं घर हमारा बादलों के अंदर तो नहीं है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे? और ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अभी हमने वो उधर ऊपर जाना है, ऊपर ही जाए जा रहे हैं। बारिश भी आई है वैसे। फाइनली पहुंच गए अपने घर के पास, लेकिन ठीक ठाक हाइट के ऊपर है ये, ठीक ठाक हाइट पे। लुक एट इट। कौन सा? ये यहाँ से शुरू होती है हमारी, ये जो लैंड है ना, ये ऐसे नीचे जाती है। ये सब गाड़ी के लिए बनाया है, ये सामने वो नीचे तक।
हमारी लैंड है वो हमारा घर आ गया ये बैट वन। यहाँ पे हवा की थोड़ा डिफरेंट वाइब्स है। हाँ बड़ी तेज हवा चलती है ना, दूसरा वैसे भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हाइट पे है ना, काफी हाइट है इधर आगे तक है वो वहाँ तक आगे तक आगे सही। Subhanallah. Look at the view, boss. Subhanallah. Amazing. मुझे दिल कर रहा है मैं सोच रहा छोड़ के इधर ही आ गया। यहाँ पे जाहिर है कितना अच्छा मौसम है। ये पूरा विलेज है आगे तक और शहर है वो नीचे रास्ते के पीछे वो वहाँ पे शहर है जो इस एरिया का शहर है जिसको पलंदरी कहते हैं। इस गांव का नाम है बुड्ढा द्रमन, ऐसे ही है ना जी? हाँ पुराना नाम यही है। हाँ वो कैडेट कॉलेज है। कैडेट कॉलेज वो कैडेट कॉलेज है और वो डिग्री कॉलेज। लेकिन बादल देखे ना कितने नीचे आए हुए हैं। बारिश का इम्कान है ना? हाँ जी बारिश का इम्कान है ना। वैसे यहाँ पे दो तीन चीजें ट्राई करने का बड़ा दिल कर रहा है मुझे, एक तो कॉफी एस्प्रेसो, दूसरी मंदी और तीसरी अपनी चाय केक रस के साथ या पापे के साथ। बेटा आए जरा मैं आपको देखाऊं लेमन। हाँ घर के देसी लेमन आपने बनाया है? जी अपना दरख्त लगा हुआ है और दरख्त अपना ये हुए हुए ये लेमन है। ये ज्यादा बड़े नहीं है जी? हाँ छोटे भी हैं, देखें ऊपर ग्रीन छोटे हैं और ये बड़े साइज में तो मुझे बड़े नजर आ रहे हैं लेमन। कश्मीर की बिल्ली देखें जी, ये यहाँ से रोड इधर से उधर जाती है एंड उसके बीच में यहाँ पे ये जनरल स्टोर है। लेकिन यहाँ पे अगर कॉफी शॉप होती ना तो मज़ा दोबारा हो जाना था इस सारे व्यू का, इस सारे सीन का, इस सारे एरिया का। ये वाला दरख्त जो है ना बहुत ज्यादा पाया जाता है कश्मीर में, इसको चीड़ कहते हैं, मेरे वाले साहब बता रहे थे। ये वो ऊपर तक जाता है, ठीक ठाक लंबा दरख्त होता है ये, और इनकी उम्र भी जो है ना ठीक ठाक उम्र होती है, लाइक मोर देन लॉट, मैं बता नहीं सकता, कन्फर्म नहीं हूँ, दे से दैट मोर देन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एज वेल। माशाल्लाह ये होता है जी इस चीड़ के ऊपर, इसके अंदर आई थिंक कोई फ्रूट भी होता है। अभी हमारा प्रोग्राम है वापस जाने का, लेकिन सुबहानअल्लाह ठाक बारिश आ गई है, ठीक ठाक आवाज आ रही है आपको? सुबहानअल्लाह बादल जो है ना नीचे आ चुके हैं इस वक्त, सारे काले काले काले। इससे पहले कि बारिश हो जाए we should leave as soon as possible ताकि हम इस्लामाबाद जल्दी पहुंच जाएं। ठीक ठाक मुश्किल रोड है। अब हम वापस आए अपने चाचू के रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग वही चाय पियेंगे जो कल हमने पी थी, दी बेस्ट चाय इन माय लाइफ जो मैंने आज तक टेस्ट किया है इस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट से। दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट इससे अंकल कल चाय बहुत मजे की थी, इंशाल्लाह आज भी आपको आज दोबारा वही कहना क्या डालते हैं क्या इसमें सीक्रेट होता है ये आपको बता के क्या हमें इधर काम करना है कि कल आप नया रेस्टोरेंट इधर खोल दें। आज सीक्रेट चाय हम पियेंगे रेसिपी मैं बनाते हुए दिखाऊँ, बनाते हुए आपको दिखाता हूँ। ये ताज़ा ताज़ा दूध जा रहा है, चला दिया दूध ताजा चला गया। उस्ताद जी इसके बाद क्या करेंगे? हेलो ये पत्ती कौन सी है? लिप्टन। लिप्टन की है, चाचू तो नहीं देख रहे। जो चाय का टेस्ट है ना वो ये एक्शन जो है उससे बनता है। और फाइनली चाय हमारी तैयार हो गई, दी मोस्ट डिलीशियस चाय इन पाकिस्तान मेरे नजदीक। अगेन ये मेरे नजदीक है क्योंकि मैंने काफी जगहों में चाय पी है, कॉफी से मुझे कोई नहीं तोड़ सका था, और आई थिंक ये चाय इसने तोड़ दिया मुझे कॉफी। अब हम वेट कर रहे हैं, हमें सर्व किया जाएगा दी बेस्ट चाय। ये अब आ रही है मेरी चाय, सुभानअल्लाह। क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना चाय की वो भी बहुत डिफरेंट है। अगर मैं किसी चीज की तारीफ इतनी कर रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर है। मुंह में पूरा टेस्ट घूमता है, कॉफी इज नथिंग, कैपुचिनो स्टारबक्स की नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस। देसी पलंदरी के अंदर आजाद कश्मीर में सब भी है। कैसा टेस्ट है इसका? चाय जबरदस्त चाय है, टोटली डिफरेंट इजंट इट, टोटली डिफरेंट। मुझे नहीं समझ आई कि कैसे बनाता है, आई थिंक दूध की वजह से होगा। दूध असली होता है ना? थिंक दूध की वजह से होगा, लेकिन चाचू ने बीच में मुझे कहा कि एक मिनट आप अंदर जाके बैठे, मैं आगे बैठ गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया अल्लाह वाला। चाचू बताए ना क्या किया? बहुत जबरदस्त है, मजे की। एक्सट्रीमली टेस्टी, टोटली डिफरेंट। और अगर आप इसको दो मिनट क्या सेकंड्स के लिए अगर रोकते हैं तो इस तरह ऊपर मलाई बन जाती है, मलाई भरी चाय।